अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं चनाब नगर से गुजर रहा हूँ, जिसका प्रीवियस नेम रबवा भी था। आप यकीनन एक साइड पे कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, इसको नाम दिया जाता है दोजख का। यहाँ पे जो कुछ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे ये चीज़ मशहूर है कि इसको दोजख कहा जाता है। अभी हम मज़ीद आगे आए हैं तो आप देख रहे होंगे, ये खूबसूरत सी उन्होंने जगह बना रखी है। इसके अंदर भी कब्रिस्तान है और काफ़ी अच्छी कब्रें बनाई हुई हैं। इस जगह को ये जन्नत का नाम देते हैं। ये भी इसके फ्रंट गेट से गुजरे। तो इस टाइम जो हम आज का भी व्लॉग बना रहे हैं, ये बस हम सफ़र में हैं तो उसके मुताबिक हम बना रहे हैं। ये पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, ये चनाब नगर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये सारा चनाब नगर का इलाका जो आप देख रहे हैं, और इसके तकरीबन चारों तरफ बल्कि तीन तरफ जो हैं वो पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी खूबसूरत मेंटेन किया हुआ इलाका है। मज़ीद आप देख सकें तो ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। इस साइड पे पार्क वगैरह बने हुए हैं, अंदर सारा ये बाएं हाथ पे शहर है। और दाएं हाथ पे इनकी जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई चनाब नगर में, काफ़ी व्यू पॉइंट्स भी हैं। और इसके अलावा ये कादियानी जो मिर्ज़ाई हैं उनका मरकज़ भी है। तो इस हवाले से भी कुछ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बेसिकली हम आपको जो व्लॉग बना कर देते हैं, हम आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की जो व्लॉग है, ये जो कि अब यहाँ से गुजर रहे थे चनाब नगर से, तो आपको हमने ये दिखा दिया। ये देखें, एक लिखा रहा गवर्नमेंट नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल चनाब नगर। तो ये चनाब नगर का इलाका है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और काफ़ी अब ये बड़ा इलाका हो गया है, काफ़ी आबादी है यहाँ पे। तो इनके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में देंगे। फ़िलहाल तो हम आपको इस इलाके की सैर करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी ग्रीनरी है और ये पार्क वगैरह नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे लोग काफ़ी मुतवल तबका से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे अक्सर इज्तम होते रहते हैं इनके। इस साइड पे अगर आप देख सकें तो एक इनकी मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी, अगर मैं करीब से दिखा सकूँ तो। ये तकरीबन आगे काफ़ी दूर तक इनका रकबा फैला हुआ है। इसके बाद चनाब नगर से हम आगे निकलेंगे तो एक एरिया अहमद नगर आ जाएगा, वो भी इन्हीं के पास है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो मिर्ज़ई यानी कादियानी हजरात की है, इस इलाके में जो रहते हैं। बाकी मुस्लिम्स भी हैं लेकिन वो बहुत कम तादाद में हैं। इस इलाके की तारीखी अहमियत भी है, उस हवाले से भी हम आज नई किसी वीडियो में आपको गाइड करेंगे। फ़िलहाल तो हमने इस इलाके की थोड़ी सी आपको सैर करवाई है। आगे एक पुल आ रहा है, पुल जब हम क्रॉस करेंगे तो पुल से आगे अहमद नगर का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इस साइड पे ये पेट्रोल पंप है, आगे एक होटल है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जी फ्रेंड्स, ये वो पुल है जो चनाब नगर और अहमद नगर दो इलाकों को आपस में मिलाती है। और ये मेन सरगोधा रोड है जो चनियोट से सरगोधा तक जा रहा है, बाकी ये लिंक फैसलाबाद को भी करता है। तो आप देख रहे होंगे ग्रीनरी, खूबसूरत मनाजिर। बेसिकली हम आपको नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे दिखाने आए थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मशहूर थी मुख्तलिफ हवाले से, वो भी हमने आपको दिखाई हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपने लाजमी बताना है आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है, क्या इस हवाले से मज़ीद कुछ आपको अपडेट्स चाहिए, इस पर मज़ीद व्लॉग बनाए जाएँ, लाजमी बताइएगा। और कमेंट्स में आपने ज़रूर आगाह करना है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके पास कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।